पिछले साल जून में गलवान में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प और फिर चार महीने बाद अक्टूबर में मुंबई के एक बड़े हिस्से में पावर ग्रिड का फेल होना, दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी थीं और इसमें चीन का हाथ होने की बात सामने आई है। अमेरिका की मैसाचुसेट्स स्थित साइबर सिक्योरिटी कंपनी रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि चीनी सरकार से जुड़े एक समूह के हैकर्स ने मैलवेयर के जरिए भारत के महत्वपूर्ण पावर ग्रिड को निशाना बनाया था। रिकॉर्डेड फ्यूचर एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है जो विभिन्न देशों के इंटरनेट का इस्तेमाल करके उनका अध्ययन करती है। न्यूयॉर्क टाइम्स में इस खबर को प्रकाशित किए जाने के बाद भारत और चीन दोनों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह का कहना है कि सरकार के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित होता हो कि अक्टूबर 2020 को मुंबई में पावर ब्लैकआउट की घटना चीन या पाकिस्तान के किसी साइबर हमले के कारण हुई हो। समाचार एजेंसी ANI से आर के सिंह ने कहा, साइबर हमले चीन या पाकिस्तान ने किए ये कहने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन हमलों के लिए जिम्मेदार समूह चीनी है, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। चीन भी निश्चित रूप से इसे नहीं मानेगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार ने भी इस पूरे मामले की जांच की है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री अनिल देशमुख का कहना है कि साइबर पुलिस की जांच रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा के पटल पर रखेंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस घटना के पीछे साइबर हमले की वजह हो सकती है। इसमें मैलवेयर के जरिए पावर ग्रिड को निशाना बनाने की बात कही गई है, साथ ही विदेशी सर्वर के लॉगिन करने की बात स्वीकार की गई है। उन्होंने कहा, साइबर हमले केवल मुंबई तक सीमित नहीं है बल्कि इसका दायरा देश भर में फैला हो सकता है। हमें इस मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। मैंने इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री आर के सिंह से बात की है, उन्होंने इस बारे में जानकारी मांगी है और कहा है कि हमें अलर्ट रहना चाहिए। पिछले साल 12 अक्टूबर को मुंबई के एक बड़े हिस्से में ग्रिड फेल होने के कारण बिजली चली गई थी। इससे मुंबई और आसपास के महानगर क्षेत्र में जनजीवन पर गंभीर असर पड़ा था। इसकी वजह से लोकल ट्रेनें, अस्पतालों में इलाज, सरकारी दफ्तरों में कामकाज बाधित हुआ था। इस मामले में चीन ने भी अपना पक्ष रखा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी करके कहा है कि बिना किसी प्रमाण के किसी पर इस तरह का आरोप लगाना गैर जिम्मेदाराना है। चीन हमेशा से साइबर सुरक्षा का पक्षधर रहा है और इस तरह के किसी हमले की निंदा करता है। साइबर सुरक्षा के मुद्दे पर अटकलों की कोई भूमिका नहीं होती। ये पहला मौका नहीं है कि चीन पर साइबर हमला करने के आरोप लग रहे हों। अमेरिका ने इससे पहले भी चीन पर साइबर हमले के आरोप लगाए हैं। साल 2014 में अमेरिका ने चीन के सैन्य अधिकारियों पर 5 निजी कंपनियों और एक श्रम संगठन से आंतरिक दस्तावेजों और कारोबार राज चुराने का आरोप लगाया था। इसके अलावा पिछले साल जुलाई में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने ह्यूस्टन, टेक्सास में स्थित चीन के वाणिज्य दूतावास को बंद कर दिया था। अमेरिका का आरोप था कि चीन अमेरिका से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी चोरी कर रहा है। उस वक्त अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के निदेशक ने चीन सरकार की जासूसी और सूचनाओं की चोरी को अमेरिका के भविष्य के लिए अब तक का सबसे बड़ा दीर्घकालीन खतरा बताया था। अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान जैसे देशों ने भी चीन पर तरह तरह के साइबर हमले करने का आरोप लगाया है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि चीन के पास आखिर ऐसा क्या है कि जो वो इस तरह आसानी से ऐसे साइबर हमले कर सकता है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के कार्तिक बोमाकांतिक ने भारत और चीन के साइबर आर्मी का विश्लेषण करते हुए एक रिसर्च पेपर लिखा है। BBC से बात करते हुए कार्तिक ने कहा, चीन के पास इस तरह के साइबर हमलों को अंजाम देने के लिए एक अलग फोर्स है जिसे PLA-SSF कहते हैं। PLA-SSF का मतलब पीपल्स लिबरेशन आर्मी स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स है। साल 2015 में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना में कई बदलाव किए थे, उसी दौरान इसकी स्थापना की गई थी। SSF इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए पूरी तरह सक्षम है। सिक्योरिटी ट्रेल्स, टूल्स और एनालिटिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम का सहारा लेकर वो ऐसा करते हैं। इस फोर्स में कितने लोग शामिल हैं, हेड कौन है, इन सब की पुख्ता जानकारी बाहर नहीं आती है। अनुमान के मुताबिक इस फोर्स में शामिल लोगों की संख्या हजारों में है। PLA के जनरल स्तर के अधिकारी इस विंग को हेड करते हैं। अलग अलग सोर्स से एकत्रित जानकारी के आधार पर पता चलता है कि इस फोर्स के तहत कुछ ऐसे लोग भी काम करते हैं जो SSF से सीधे नहीं जुड़े होते पर उनके इशारे पर काम करते हैं। वो हैकर्स भी हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल साइबर हमलों के लिए किया जाता है।
इसलिए साइबर हमलों के बारे में बात करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हो सकता है कुछ हमलों में SSF आर्मी के लोग सीधे शामिल न हों, लेकिन उनकी सहमति और दूसरों की मदद से वो हमला किया गया हो। मुंबई में पिछले साल 12 अक्टूबर को हुए हमले के बारे में बात करते हुए कार्तिक कहते हैं, इस तरह के साइबर हमले का खतरा भारत पर तब तक बना रहेगा जब तक चीनी सामान, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल देश के इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में किया जाता रहेगा। ऐसा प्रतीत होता है कि मुंबई स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड के अंदर चीनी सामान का प्रयोग किया गया है, जिससे चीन को एक संकेत मिला कि वो इस तरह के हमले कर सके। इस तरह के साइबर हमले के लिए हैकर्स और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर को एक कोड जनरेट करने की जरूरत होगी जो मैलवेयर बनाए और फिर ऐसे हमले करे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट में भी मैलवेयर और ट्रोजन जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। केंद्रीय बिजली मंत्री ने भी बयान में इसका जिक्र किया है। मैलवेयर एक साइबर हैकिंग का तरीका है। मैलवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो किसी सिस्टम की जानकारी या आंकड़े की चोरी के लिए बनाया जाता है। ये प्रोग्राम संवेदनशील आंकड़े चुराने, उसे डिलीट करने, सिस्टम के काम करने का तरीका बदलने और सिस्टम पर काम करने वाले व्यक्ति पर नजर रखने जैसी एक्टिविटी करता है। ट्रोजन एक तरह का मैलवेयर होता है जो सिक्योरिटी सिस्टम से परे जाकर बैकडोर बनाता है, जिससे हैकर आपके सिस्टम पर नजर रख सकता है। ये खुद को किसी सॉफ्टवेयर की तरह दिखाता है और किसी टेम्पर्ड सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में भारत की साइबर पीस फाउंडेशन का जिक्र है, जिन्होंने गलवान में भारत चीन के बीच खूनी संघर्ष के बाद साइबर हमलों में तेजी आने की बात की है। BBC ने साइबर पीस फाउंडेशन के फाउंडर प्रेसिडेंट विनीत कुमार से इस बारे में बात की। उन्होंने बताया कि 20 नवंबर 2020 से 17 फरवरी 2021 के बीच उनकी रिसर्च में पाया गया है कि चीन के IP एड्रेस से क्रिटिकल केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर साइबर हमले तेज हुए हैं। नवंबर से फरवरी के दौरान उन्होंने 2,90,000 ऐसे हिट्स देखे, जिससे पता चलता है कि किस IP एड्रेस से साइबर हमले की कोशिश हो रही है, जिसमें चीन के IP एड्रेस काफी ज्यादा थे। विनीत कुमार ने बताया कि इस रिसर्च के दौरान कंप्यूटर पर सेंसर लगाए जाते हैं और फिर ऐसे सर्वर, नेटवर्क और वेबसाइट बनाए जाते हैं जिससे प्रतीत हो कि वो अस्पताल या पावर ग्रिड या रिफाइनरी या रेलवे का सर्वर या वेबसाइट है। जब इन पर साइबर हमले होते हैं तो सेंसर के जरिए पता चल जाता है कि किस देश के ये साइबर हमलावर हैं और किस तरह की चीज़ों को अपना निशाना बना रहे हैं। इस तरह के हमलों से बचने के लिए भारत के पास दो संस्थाएं हैं। एक है CERT, जिसे भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के नाम से जाना जाता है। ये साल 2004 में बनाई गई थी। जो साइबर हमले क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन जो सरकार चलाने के लिए ज़रूरी हो, जैसे पावर, के तहत नहीं आती, उन पर तुरंत कार्रवाई का काम इस संस्था का है। एक दूसरी संस्था नेशनल क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर भी है, जो 2014 से भारत में काम कर रही है। ये संस्था क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले हमलों की जांच और रिस्पांस का काम करती है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की तषा रे कहती हैं, भारत में साइबर सुरक्षा कानून बोलकर अलग से कुछ नहीं है। फिलहाल IT एक्ट के तहत ही ऐसे मामलों पर कार्रवाई होती है। इसके अलावा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर भी कुछ प्रावधान हैं जो साइबर सुरक्षा से जुड़े हैं, लेकिन वो भी कानून बनना बाकी है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जिम्मेदारी है कि साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी देश के लिए बनाए। साल 2020 तक ये बनकर तैयार होना था, लेकिन अभी काम पूरा नहीं हुआ है। साल 2013 में आखिरी बार इस तरह की स्ट्रेटजी बनी थी, पर अब इस तरह के साइबर हमले की तकनीक काफी बदल चुकी है।